नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो टेक्निकल ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको MI मोबाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो MI मोबाइल्स हैं आज दुनिया में सबसे, मतलब हमारे इंडिया में सबसे आगे है फिलहाल। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कुछ। आप देखिए, जो MI स्टोर है, जो MI जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर ही आपको उनके बारे में बताऊँगा। जो MI का सबसे अच्छा और सबसे जो महंगा प्रोडक्ट है वो MI मिक्स 2 है, जो कि अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो MI मिक्स 2 है जो, वो 33,000 रुपये का आ रहा है। जो ये मतलब साइड व्यू है उसका ऐसा है, बैक और फ्रंट ऐसा है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इसकी जो स्टोरेज है वो 128 GB है और इसमें 6 GB रैम है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में मोबाइल बहुत ज़्यादा आगे है। और स्टोरेज में 128 GB में आप जो चाहें वो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टोरेज है इसके अंदर। कीमत मैंने बताई दी है, 33,000 रुपये इसके। और ये अगस्त 2017 में इसको आइडिया गोल्ड अवार्ड का विनर रहा है। और इसमें जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ मैं। ये ब्लैक कलर में आता है, मतलब ये 6 इंच में हल्का सा कम है, मतलब 5.99 इंच की फुल स्क्रीन डिस्प्ले है इसमें। और इसमें स्नैपड्रैगन का 835 वाला जो प्रोसेसर वो दिया गया है। ये क्वालकॉम कंपनी का है स्नैपड्रैगन, तो मतलब सबसे अच्छी कंपनी प्रोसेसर के मामले में। और ये जल्दी से गर्म भी नहीं होता, फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टेड है। और इसकी जो मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी है वो 2.45 GHz की है। और इसका जो GPU है वो एडन को 540 वाला है, मतलब ग्राफिक के मामले में बहुत आगे है। गेमिंग की परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा मोबाइल है। इसमें 6 GB रैम है जो कि LPDDR4X है, मतलब जो लैपटॉप में अच्छा लैपटॉप ठीक ठाक होता है उसमें DDR3 होता है, और इसमें DDR4X है। और वो भी 6 है 2 चैनलों में, मतलब दो दो 4 के साथ होगी या फिर 3 3 के साथ होगी या फिर 5 GB एक में और 1 GB एक में होगी। तो मेरे ख्याल से इसमें 2 चैनल है, तो एक में 3 GB और दूसरे में भी 3 GB है। और इसमें 128 GB की स्टोरेज है, तो आप कितनी पिक्चर इसमें डाल सकते हैं, खूब डल जाएगी इसमें। और जब भी मतलब आपको लगता है कि कम है ये स्टोरेज, तो आप इसमें फ्लैश स्टोरेज, मतलब अपना SD कार्ड लगा सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। ये चारों तरफ जो चारों साइड से कर्व्ड है, और जिसकी हाइट है वो 51.8 mm की, मतलब 15.18 cm की। इसकी चौड़ाई 75.5 mm की है, थिकनेस 7.7 mm है। और इसका जो वज़न है वो 185 ग्राम है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जैसे आप ये ओरियो में आता है, ओरियो इसका एंड्रॉयड वर्जन जो 8 आया नया ओरियो का, तो उसमें ये मतलब आता है फिलहाल। और जैसे कोई अपग्रेडेबल हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। और बताते हैं इस बारे में। तो इसकी स्क्रीन है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, 6 इंच से थोड़ी सी कम है। और इसमें सनलाइट डिस्प्ले, मतलब आप दिन में आसानी से देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, रात आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इसकी बैटरी है वो 3300 mAh की कम से कम है, और 3400 mAh ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना हो तो आप आसानी इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी, 2 एम्पीयर, मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी इसमें। इसमें सी टाइप जो रिवर्सिबल कनेक्टर, मतलब जो सबसे जो नया USB टाइप आ रहा है जो सी है, मतलब जैसे आप नॉर्मल USB से हल्का सा अलग होता है। इसका जो रियर कैमरा, पीछे कैमरा, वो 12 मेगापिक्सल का है, जिसमें 4 पीस लगे हैं लेंस के। इसके अपर्चर 2 है, मतलब ये कम जो लाइट होती है उसमें भी ठीक अच्छी फ़ोटो ले लेगा। और इसमें 2 फ्लैश है, मतलब 2 अलग अलग कलर के फ्लैश है। इसमें ऑटो फोकस मोड है, मतलब आप अपने चेहरे पे अपने आप फोकस कर लेंगे, लो लाइट में अच्छे फोटो आते हैं। इसमें HDR पोनर, ये पैनोरामा, बर्स्ट मोड, फेस रिकॉग्नाइजेशन, सारे फीचर है। जो फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है, और इसमें 36 तरह की ब्यूटी प्रोफाइल्स दे रखी है, मतलब आप मेकअप कर सकते हैं 36 तरीक़ों से इसमें। इसमें वीडियो कॉलिंग फीचर है 1080 पिक्सल से, और जो कि अच्छी, मतलब जो आपको ब्यूटी के साथ, मतलब
जो आपकी रियल फ़ोटो इसको और सुधार करके बनाता है। इसकी वीडियो मतलब अच्छी खींचता है, 4K वीडियो सपोर्ट है जो कि एप्पल में वही सेम इसमें। इसकी कनेक्टिव वोल्टी है, मतलब जैसे कि आप जियो सिम इसमें आसानी से चला सकते हैं। इसमें हर तरह का नेटवर्क सपोर्टेड है। इसमें नैनो ट्रे मतलब ट्रे है, सिम इजेक्टर टूल आएगा, ट्रे है इसके अंदर, और इसके मतलब नैनो सिम है ये लगा लीजिए आप। एक दो नैनो लगा लो, दो नैनो सिम लगा लो, या फिर एक चिप एक नैनो सिम लगा सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, स्पीकर नीचे की तरफ है, यूएसबी टाइप सी भी नीचे है, माइक्रोफोन भी नीचे है, और वॉल्यूम अप की साइड में है, फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरे के नीचे है, पावर ऑन ऑफ सिर्फ इसके क्या नाम है इसका स्पीकर के जो वॉल्यूम की है उसके नीचे। इसमें सेंसर भी अच्छे दे रखे हैं, अल्ट्रासोनिक भी है, जायरोस्कोप है, एक्सेलरोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपास है, लाइट सेंसर, वाइब्रेशन मोटर, बैरोमीटर, हेल सेंसर, और ये मल्टीमीडिया हर तरीके के फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसके पैकेज के अंदर आपको मोबाइल मिलेगा, प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा, पावर अडाप्टर मिलेगा, यूएसबी मिलेगी, ऑडियो कन्वर्टर मिलेगा, सिम इंसर्टर टूल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगी, यूज़र गाइड मिलेगी। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये कुछ है इसके रिव्यू दे रखे हैं, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये अच्छा मोबाइल है, मेरे अगर मेरी सलाह लो, अगर आप इसे 35,000 से अंडर में 30-35,000 खरीदना चाहो तो अच्छा मोबाइल है, आप इसको ले सकते हैं। मेरी सलाह है कि जैसे आप लेना चाहते हो इसको ले लें, और अब आपके अपने खुद की भी सोच है, अपने हिसाब से ले जो आपको अच्छा लगे। मेरी तरफ से यह बहुत अच्छा मोबाइल है। तो थैंक यू, इस वीडियो को कृपया करके देख अच्छी तरह देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाए। मेरे को 2 ही दिन हुए चैनल क्रिएट के, इसलिए कोई मिस्टेक हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।